ओके, ये कंटेंट वेबसाइट में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो गूगल में टाइप करना जेएस मैथमेटिक्स क्लासेस, वहाँ वेबसाइट आएगा। वेबसाइट में बहुत अच्छा नोट्स और क्वेश्चन बैंक है, और यूट्यूब का जितना कंटेंट है वहाँ अवेलेबल है। तो जरूर जाओ और वेबसाइट विजिट करो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 and 250। मतलब फोर का कितना सारा मल्टीपल्स होगा जो 10 और 250 के बीच में आएगा, ठीक है। सो क्या होगा देख लो, पहला जो आएगा वो 12 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 20, तो इस तरह प्रोसीड होते रहेगा और लास्ट में 248 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख लो 250 है, लास्ट में 248, ठीक है। तो इसको हम लोग nth टर्म मान लेंगे, और ये रहा मेरा a, तो d कितना होगा, 4 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, करेक्ट। a 12, d इक्वल टू 4 और nth टर्म 248, ठीक है। तो हम लोग nth टर्म को इस तरह लिख देंगे, a प्लस एन माइनस वन डी और इक्वल टू 248, ठीक है। a यहाँ 12 है, अच्छा ये जो बाइनोमियल है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि d 4 है, राइट, और इक्वल टू 248। तो ये 4 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये 4n हो गया, और ये 4 इंटू माइनस वन माइनस 4, ठीक है। अब 12 और माइनस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ रिमेनिंग बचेगा 4n, और इधर 248, राइट। सो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस होगा, ये हो जाएगा 240, राइट। और फिर हम लोग 4 को उधर भेज देंगे RHS में, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। मतलब कि जो 4 का मल्टीपल्स होगा जितना सारा, वो 60 को मल्टीपल्स होगा, राइट, जो 10 और 250 के बीच में आएगा, करेक्ट।